रोने जुने डांडे कोहेड़ी लगी गे मानंद के डोली कैलासो पटी गे बजड़ा भी आगो देव तो लंका लागो गामा हिंज गाया बिंज देव तो जाला के मुहारिया पानी के ना देव तो मछो दिया बिंज गया आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। दोस्तों, आज के इस रोमांचक सफ़र में मैं फिर से आपको लेके जा रहा हूं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत गांव पाणा। पाणा और ईरानी, ईरानी और पाणा दो ऐसे गांव हैं जो आपस में दोनों नाम जुड़े हुए हैं। अभी तक के एपिसोड में मैंने आपको ईरानी गाँव दिखाया, आगे के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं पाणा गाँव। अभी सफ़र शुरू हो रहा है ईरानी गाँव से और लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है पाणा गांव। बहुत ही खूबसूरत आज के इस रोमांचक और बहुत ही बेहतरीन सफर। रास्ता बांधा बिरोजगार होकर पाणा से ईरानी के लिए। जी सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ए ताबा देवा ताऊ देव तो हमारे बाराता बजड़ा भी आगो देव तो लंका लागो गामा हिंज गाया बिंज देव तो जाला के मुहारिया पानी के ना देव तो मछो दिया बिंज गया नारा के वा खाल देव तो ज्ञानोड़ा बिंज गया हिंज गाया बिंज देव तो पंजा नाम देवा तबा देवा ताऊ जलाया गलो या सिनाना चला देवा ताऊ जलाया समुदारों नायला समुदार पानी देव तो मिनख्यों ला बिटाला चला दीवा ताऊ जो लाया यो कुओं नायला कुओं का पानी दो तो पंचों ला बिटाला चला दीवा ताऊ जो लाया हिंगावा गद्यारिया हिंगावा गा देरियो जो लाया बया बासुदारा बया बस दारा उलो यु बोलो मा देवा यु बोला मा देवा नो गाया यो जटा हुए या खोला। थोड़ा एक बारे में बताना पाल कि जागर कौन सा के किसी और ये बगड़वाल देवता बगड़वाल नृत्य जो बगड़वाल नृत्य जी बगड़वाल नृत्य होता तो खासतौर पे आप अगर पाणा और ईरानी पाणा ईरानी दुर्नी पगना नीति माणा के मौसम में ये बगड़वाल नृत्य होता ये नवंबर सितंबर मार्च अप्रैल। अच्छा, दो बार हिंदी में ना बता दिया जी बैसाख का मंगशीर। हां मंगशीर। तो बगड़वालों के बारे में कुछ जानकारी दे सकना आपकी ककगाचियों और आप लोग क्यों इन्हें पूजा करते हैं। यू टेरी छ जैसे जी और हां जैसे ये हुआ कि इनका मरण हुआ हरण हो गया आंचरी हरण जीतू राजा वो था शिकारी था जंगल में गाय बांसुरी बजाई वहाँ आंचुरी ने हर लिया इसी कारण ये भूत बन गए थे तब ये नाचने पिया रो गया। अच्छा, तब तो इसको आप नचाते हैं गांव में। इसको हम नचाते गांव में। ईरानी गांव से पाणा गांव की तरफ का ये सफ़र हमारा काफ़ी रोमांचक है
वृक्ष के चारों तरफ आप देखें तो बहुत ही बड़े पेड़ हैं, घनघोर पेड़ हैं, और काफ़ी जो टूरिस्ट हैं, जो फॉरेनर हैं, वो पाणा और ईरानी गांव आते हैं, क्योंकि यहां से बुग्यालों का बहुत ही खूबसूरत ट्रैक शुरू होता है। तो अभी आज के इस सफ़र में हमारे साथ गाइड हैं भाई दिनेश नेगी जी, और उनका अपना एक बहुत ही बढ़िया यूट्यूब चैनल भी है देवभूमि यूके के नाम से। जी सर, तो उस पर आप ज़रूर विजिट कर सकते हैं। उनका अपना एक चैनल भी है देवभूमि यूके नाम से, और उसमें वो अपने ख़ास तौर पे अपने ईरानी गांव की जो संस्कृति है, यहाँ की जो खूबसूरती है, उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। तो आप उनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं और उनको फॉलो भी आप कर सकते हैं। तो अभी हमारा सफ़र जारी है पाणा गाँव के लिए, तो चलिए बने रहिए लास्ट तक। ये देखिए भाई, झरना कितना खूबसूरत है, एकदम लाजवाब झरना। तो आपको पाणा गाँव आते हुए इतने खूबसूरत नज़ारे, आपको दिलचस्प नज़ारे दिखेंगे। ऐसे लोकेशन या ऐसे झरने आपको शायद फिल्मों में ही या हॉलीवुड फिल्मों में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कुदरती रूप से देख सकते हैं कितनी शानदार झील है, और वहाँ से ऊपर की तरफ जाते हुए एक खूबसूरत झरने। तो ये है भाई पाणा गांव की बकरियाँ। तो दोस्तों, आखिरकार एक लंबे और रोमांचक सफ़र के बाद मैं पहुंच गया हूं बहुत ही खूबसूरत गांव पाणा में। तो चलिए चलते हैं इस गांव में और देखते हैं यहां की देव संस्कृति, यहां के रीति रिवाज, गांव के कुछ खास बातें, और यहां के कुछ मुश्किल बातें, और कुछ लोगों की बातचीत आप तक इस ब्लॉग में ले कर मैं आ रहा हूँ। तो बने रहिएगा लास्ट तक और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आखिरकार ये है भाई पाणा गांव। देखिए कितना खूबसूरत गांव है, और यहाँ के घर आप देख रहे होंगे पत्थर मिट्टी से बने हुए हैं। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार भैया, और सब बढ़िया? क्या क्या होने घर पर आजकल? अच्छा नहीं ताजी, सब सामान्य। अच्छा तो भाई ये है पाणा गांव। तो कुछ घर भाई इसके इस तरफ भी बने हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे ये ऊपर की तरफ घर बने हुए हैं, और ये रास्ता है जो बीचों बीच जा रहा है रास्ता। और रास्ते की दोनों तरफ आपको एक चीज़ ख़ास तौर पे मैं आपको दिखाऊं, तो ये है भाई भांग, जिसे ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं कई लोग। नशे के रूप में और दवाई के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है भाई पाणा गांव, क्योंकि बरसात का समय है तो चारों तरफ आपको बहुत अच्छी हरियाली दिख रही होगी। ये देखिए अच्छे अच्छे घर हैं, लेकिन बहुत दूरस्थ गांव होने के कारण आपको यहाँ के खूबसूरत घर अच्छे दिख रहे होंगे। नमस्कार दीदी जी, अभी कपड़े धोना आप लोग? अच्छा तो ये है भाई। तो यदि आप पाणा गांव आना चाहते हैं तो पाणा गांव जनपद चमोली का एक दूरस्थ घाट गांव है, जो निजमुला घाटी में। तो आपको सबसे पहले ऋषिकेश से कणप्याक, और वहां से आपको जो चमोली बाज़ार है, चमोली बाज़ार आना पड़ेगा। तो चमोली बाज़ार से फिर लगभग 10-15 किलोमीटर आगे जा कर के इस निजमुला घाटी के लिए अलग से एक रोड कटती है, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, और वहाँ से लगभग 35 किलोमीटर बाई रोड, और लगभग 6-7 किलोमीटर पैदल चल करके आप इस खूबसूरत निजमुला घाटी में पहुँच सकते हैं। और यहाँ से आप बुग्यालों का एक बहुत खूबसूरत ट्रैक शुरू होता है। अक्सर यहाँ पे विंटर सीजन में और इस बरसात के मौसम में काफ़ी टूरिस्ट इस गांव में पहुँचते हैं, और यहाँ से बुग्यालों का एक खूबसूरत सफ़र शुरू करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे पाणा गांव के इन खूबसूरत घरों को, जो एक अलग ही शैली में बने हुए हैं। ऐसे घर अक्सर जो गढ़वाल का पौड़ी क्षेत्र है, तो पौड़ी के इलाके में आपको जंगले वाले मकानें दिखती हैं, तो वैसे ही कुछ घर आपको पाणा गांव में ज़रूर दिखेंगे। तो ये देखिए पाणा गांव।
बहुत ही खूबसूरत पारंपरिक घर, काफ़ी बड़ा चौक है, ये आपको दिख रहा होगा। और नीचे देखिए सेम की खेती की है। भाई साहब का ससुराल भी हमें मिल गया अभी। मेरे ससुराल वो सामने पे जहाँ पे अभी हमने वो जंगले वाला मकान दिखाया था वो हमारे दिनेश नेगी जी और ये भाई साहब का ससुराल है। तो आज हम उनके ससुराल में भी आए हैं पाणा गांव में। और ये देखिए भाई, खुश रहो बेटा। पाणा गांव में पानी का मुख्य स्रोत है। गांव के इस पानी के स्रोत से इतना बढ़िया और इतना स्वादिष्ट पानी निकल रहा है कि जो पूरी थकान थी 4-5 किलोमीटर पैदल चलने की, वो पूरी थकान एकदम दूर हो गई है। आज हम आपको पाणा गांव का एक बहुत ही खूबसूरत जो होम स्टे है वो होम स्टे हम दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे ये देखिए, ये होम स्टे है। अभी हम पाणा गांव के एक होम स्टे में पहुँचे हैं और आज का जो स्टे है हमारा वो इसी होम स्टे में होने वाला है। ये वाला होम स्टे है, ये देखिए। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। स्वागत, धन्यवाद। आदरणीय हमारे गुरुजी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं रेवा टीम के साथ। यहाँ पे आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है पाणा गांव? ये तो एकदम जन्नत है, स्वर्ग है। ऐसा लग रहा है कि मानो सौ शरीर हम स्वर्ग भूमि में या देव भूमि के इस खूबसूरत इलाके में पहुंच गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका नेगी जी, कि आपने इतने बेहतरीन लोकेशन पे हमको आज दिखाया है। जी जी जी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो ये है भाई होम स्टे यहाँ पे पाणा गाँव में। अभी हम जिस होम स्टे में आए थे तो अभी वहाँ पे भाई साहब की तरफ से चाय की व्यवस्था होगी है और साथ में हमें मिले हैं रस और चाय। सबसे बड़ी बात क्या है इस होम स्टे की कि आप यहाँ से क्वारी पास है ना? यस, क्वारी पास। हाँ, बहुत सारे जो बुग्याल हैं उस ट्रैक को आप यहाँ से बखूबी कर सकते हैं। बाकी अभी गांव के लोगों से कुछ बातचीत है, बहुत सारी जो खूबियाँ इस गांव की हैं वो हम आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे। चमोली जनपद का जो दसौली ब्लॉक है उसका सबसे दुर्गम जो गाँव हमारा पाणा ही रहने पड़ता है, जो आज भी आने जाने के लिए कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी आदमी अपनी जान को जोखिम में डालते हुए इतने दुर्गम जगह पहुँचता है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपका भी। तो जो हमारा जो पाणा गांव है ये बहुत पूर्वजों का मानना है कि ये बहुत पहले से बहुत बड़ा गाँव था। कम से कम इस गाँव में लगभग 500 परिवार हुआ करते थे कभी तो, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रोग जिस प्रकार से कोरोना रोग इस देश में आया और अन्यथा प्रकार के अनेक रोग पैदा हुए देश में, वह सही रोग इस गांव में भी पहले कभी आया था, बल उस रोग के कारण लगभग 250-300 परिवार जो ख़त्म हुए, तो कुछ ही गिने चुने परिवार बचे हुए थे। तो आज दो दो चार चार कर वो परिवार थोड़ा इस गाँव में बढ़ चढ़ कर, थोड़ा नहीं तो ये बहुत बड़ा गाँव हुआ करता था। तो जो होम स्टे की प्रक्रिया आई मेरे मन में जो ख्याल आया, सर्वप्रथम तो मैं कान सिंह फरसवाण ग्राम सभा पाणा से, मेरा होम स्टे पाणा चंद्रेश्वर महादेव। तो जो मेरे मन में जो ख्याल आया तो मैंने सर्वप्रथम अपने बड़े भाई दिनेश से भी ये जानकारी मैंने प्राप्त किया, जो मेरे होम स्टे पर जो पहाड़ी जो खान पान है, तो आने वाले जो भी बाहर से फॉरनर आए या अपने इंडियन लोग आए तो उनके लिए जो पहाड़ी कल्चर हमारा है, जो पहाड़ी रोटी है मंडवा जिसको कोदा भी कहते हैं, गेहूं की रोटी, राजमे की दाल, लेंकुड़े की सब्जी और कंडाली, जो अपना नेचुरल, तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि उन लोगों तक उनकी व्यवस्थाएं ये की जाए, पहाड़ी अपना नेचुरल। जी जी, रात्रि का नाइट होल्ड का वन व्यक्ति लगभग 500 रुपीस, बाकी वो नाश्ते का या चाय का डिनर का उन चीज़ का उसका अलग चार्ज पड़ेगा जी। तो
यदि हम डिनर की बात करें तो थाली का क्या रहेगा, एक थाली का ही रेट रहता है अक्सर? ये 50 रुपये नाश्ते का रहेगा, 15 रुपीज़ नाश्ते में तो, और एक परांठा उसमें रहेगा जो अपना नेचुरल घर का जो अन्यथा चीज़ें रहेगी, दही रहेगी उसमें, चाय रहेगा, दूध रहेगा, फिर और चीज़ें रहेंगी तो उसी हिसाब से हम प्रमोट करेंगे अपने हिसाब से। जी जी, तो हमारे यहाँ से जो टूरिस्ट हैं जो यहाँ पे होम स्टे तक आपको पहुँचेंगे जी, तो उसका एक मार्ग आप बता दीजिएगा कि कैसे यहाँ पे पहुँचे हैं और फिर आप यहाँ से उनको कहाँ आगे लेके जा सकते हैं? जी सर, सर्वप्रथम जिन लोगों को यहाँ तक पहुँचना है जिन, तो सर्वप्रथम आपको चमोली जनपद में आना पड़ेगा। चमोली जनपद से जोशीमठ जो नेशनल हाईवे आगे जाते हैं रोड, तो बिरही तक आपको आना पड़ेगा। बिरही से वहीं से निजमुला घाटी वाली जो रूट पड़ता है उस रूट को पकड़ना पड़ेगा आपको, तो वही रूट डायरेक्ट, वही रोड हमें डायरेक्ट लास्ट पाणा इराने तक पहुंचाएगा। लगभग 40 किलोमीटर जी, चमोली से 40 किलोमीटर पाणा जी सर। अच्छा, तो अब यहाँ होम स्टे के बाद यहाँ से जो ट्रैक हैं, कौन कौन से ट्रैक हैं जो दर्शनीय स्थल हैं? जी सर, ट्रैकर्स हैं जो ट्रैकिंग करते हैं खासतौर पे, कहाँ कहाँ जा सकते हैं यहाँ से? जी सर, अगर यहाँ से तो अगर देखा जाएगा दार के पिछली तरफ, तो यहाँ से घूमने के लिए बड़े बड़े बुग्याल है, जैसे सारतोली है, डकवानी है, और कुंवारी पास ट्रैक है, पंगरचुला ट्रैक है, सप्तकुंड ट्रैक है, दुधाकुंडी धाम है, कुलियोगाड़ी है, और अनेक जो हमारे घरेलू जो बुग्याल भी है वो भी बड़े बड़े बुग्याल है यहाँ पे देखने के लिए एकदम खूबसूरत। जो हमारा जो गांव पड़ता है तो ये लाटकरजन रोड ही पे पड़ता है, इसी गांव से होकर लाटकरजन रोड लास्ट जो सिमट तपोवन पड़ता है, जो ग्वालदम थराली से होकर आता है गुनी रामणी होकर पाणा ईरानी जी जी होकर लास्ट जो सिमट जी, इसी रूट पे पड़ता है हमारा गांव। आपके गांव में कितने फॉरनर या जो टूरिस्ट हैं, किस टाइम पे आना ज़्यादा पसंद करते हैं और लगभग कितने आते हैं अमूमन? ये फॉरेस्ट या तो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे ज़्यादा आते हैं, या तो जी जी सितंबर के बाद आते हैं, सितंबर अक्टूबर में जी जी, और या तो दिसंबर जनवरी, या तो जिस टाइम पे बर्फबारी आती है उसी टाइम पे जी सर टूरिस्ट आते हैं जी। तो जो यहाँ से क्वारी पास के लिए जो लोग निकलते हैं खासतौर पे, वो किस मौसम में यहाँ पहुँचते हैं? उनका तो कभी इस टाइम पे भी अभी लगे हैं रूट पे चलते हैं वो अभी के टाइम पे, उनका तो वो ज़्यादातर सितंबर अक्टूबर से ज़्यादा प्रमोट करते हैं लोग, क्योंकि इस टाइम पे मौसम भी खुल जाता है। अभी थोड़ा बादलों से घना गुना बारिश का मौसम इस वजह से थोड़ा कम, क्योंकि पाणा से कुंवारी नज़दीक पड़ता है। यहाँ से कितना दूर है कुंवारी तक और कितने दिन में हम वहाँ पहुँच सकते हैं? यहाँ से कुंवारी लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर है, 30 किलोमीटर की दूरी पे है। कितना दिन स्टे करना पड़ता है, मतलब कितना रूट पे कितने दिन लगेंगे यदि कोई ट्रैकिंग पे यहाँ पे आता है? जी सर, मतलब कितना टाइम, वन डे हमें पाणा से नाइट होल्ड हमें डकवानी करना पड़ेगा जी, डकवानी से अगले दिन हमें कुंवारी का जो इलाका है घूम के उधर पंगरचुला नाइट होल्ड को फिर डकवानी आना पड़ेगा, डकवानी से अगले दिन वापस रिटर्न पाणा विलेज में, 3 डे तीन डी जी यस यस 3 डी। जैसा आप यहाँ पे गाइड का काम करते हैं तो उसका चार्ज क्या रहता है आपका? गाइड का चार्ज में 800 रुपीज़ वन डे, एक दिन का 800 रुपये। और जो खाना पीना है जी उसका चार्ज तो ये अलग है, ये अलग पड़ता है जी, ये घोड़े है खच्चर है फिर अलग ये वो लोग लगेंगे जी जी। आप देख सकते हैं तो ये डबल बेड है, इसमें 2 आदमी, वो सिंगल बेड है उसमें 1 आदमी, ये भी डबल है, इसमें कुल मिलाकर इस रूम में 5 आदमी नाइट होल्ड रह सकते हैं। तो उन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था भी अवेलेबल है जी सर। इसका चार्ज आपका वन नाइट एक व्यक्ति का 500 रुपये, 500 रुपीज़ यस सर। तीन लोग रहेंगे तो 1500 रुपये यस, बहुत कम है जी जी, जन्नत जैसी जगह पे जी जी, एकदम पृथ्वी का स्वर्ग कोई जगह है तो वो जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया उन्होंने जी टाइल्स इसमें लगे हैं, बाहर की तरफ भी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया यहाँ पे नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। फिर नीचे वाले रूम दिखाता हूँ सर जी, जी। होम स्टे में भाई उनके, अभी तक हम ऊपर डबल स्टोरी में थे, ये इनके नीचे भी आपके उनके रूम हैं जी सर, ये देख सकते हैं हमारे नीचे वाला रूम, यहाँ पे भी पूरे टीवी की व्यवस्था है यहाँ पर। अच्छा, इस तरफ आप टेलीविजन की पूरी व्यवस्था है जी जी, है मनोरंजन के लिए लगभग 3 आदमी आ सकते हैं सर। काफी बड़ा बेड है, 6x6 का बेड है, 6x6 का बेड है इसमें, और एक रूम तो ये है, तो इसका चार्ज क्या है? वही है चार्ज 500 रुपये जी। अच्छा, तो फिर एक रूम उनका और भी है उसमें अभी डेकोरेशन
अच्छा वो ये है कि कभी उसकी व्यवस्था बन सकती है मतलब जी अभी उसकी व्यवस्था है जी जी ना, आप चाहें तो ऐसे ही दिखा सकते हैं उसको जी 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 यहाँ पे भी उनकी व्यवस्था है यदि आप चाहें यदि ज़्यादा लोग निकल गए हैं तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था रखी है यहाँ पे कि लगभग 15-20 लोगों को भी वो एडजस्ट कर सकते हैं यदि बड़ा ग्रुप भी आता है तो जी 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 बिल्कुल रोने जुने डांडी कुहेड़ी लगी गे मानंद की डोली कैलासों पटी गे रोनी झुनी डांडी कुहेड़ी लगी गे मानंद की डोली कैलासों पटी गे के कु सोने बादो बरखा कुमेना रिंग दा छतोली तेरा दगेड़ा पटेना के कु सोने बादो बरखा कुमेना रिंग दा छतोली तेरा दगेड़ा पटेना रोने जुने डांडी कुहेड़ी लगी गे मानंद की डोली कैलासों पटी गे साते पाँचे बेणियों मामी हुए कुलाड़ी पिता हेमंती ने कैलासों बिवाई साते पाँचे बेणियों मामी हुए कुलाड़ी पिता हेमंती ने कैलासों बिवाई धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया गीत लगाया आप भैया। अब हम निकल रहे हैं पाणा गांव के और लोगों से बातचीत करने के लिए, गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं इस गांव की कुछ। आप देखिए तो ये भाई यहाँ का प्राथमिक विद्यालय है, गांव में प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय मतलब आठवीं तक की जो पढ़ाई है वो इसी पाणा गांव में होती है और आठवीं के बाद की नौवीं दसवीं और इलेवंथ और ट्वेल्थ की जो पढ़ाई है उसके लिए यहां के बच्चे यहां से लगभग 5 से 6 किलोमीटर का सफ़र करके ईरानी गांव में जाते हैं। तो ये है भाई यहां का प्राथमिक विद्यालय और यहां के प्राथमिक विद्यालय में आज भी जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय है काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 50 से अधिक बच्चे आज भी यहाँ पर स्कूल में हैं। और ये है भाई प्राथमिक विद्यालय का मुख्य भवन, आप सामने देख सकते हैं ये है पाणा गांव का प्राथमिक विद्यालय। तो भाई सबसे दूरस्थ द रिमोट विलेज को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो भरी मेरी आपसे एक विशेष रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा और क्योंकि यहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल भरा काम है और यहाँ के लोगों से मिलना और उनकी बातों को आप तक पहुँचाना, यहाँ की गांव की खूबसूरती को आप तक पहुँचाने के लिए लगातार रैबार चैनल प्रयासरत है और आगे भी ये काम करता रहेगा। तो अभी हम पूरे जो हमारा पाणा ईरानी गांव है तो अभी तो हम पाणा गांव में हैं तो यहाँ के लोगों से कुछ खास बातचीत करते हैं। नमस्कार नमस्कार, यहाँ पे हमें एक ओखली भी दिख रही है रास्ते में। गांव काफी बड़ा है, काफी फैला हुआ गांव है, तो बहुत ही खूबसूरत घर भाई आपको पाणा में दिखेंगे।
जी बागवानी बलकी की डाली होली राजा जी बागवानी बल डाली की होली राजा का बागवानी बलकी की डाली होली राजा जी बागवानी बल डाली की होली राजा बागवानी बल आमा डाली होली बल राजा जी बागवानी बल आमे डाली होली राम तुम खेलाया बल पांगी ना मणिकाई आमा तुम खेलाया पांगी ना मणिकाया बल राजा जी बागवान बलकी की डाली होली बल राजा जी बागवान बल डाली की होली बल राजा जी बागवान बल संतरा डाली होली बल राजा जी बागवान बल संतरा डाली होली बल संतरा तुम क्यों खाया बल फांगी ना मणिकाई बल संतरा तुम खाया फांगी ना मणिकाया बल राजा जी बागवान बल की डाली होली बल राजा जी बागवान बल डाली की होली बल राजा जी बागवान बल नारिंगा डाली होली बल राजा जी बागवान बल नारिंगा डाली होली बल नारिंगा तुम खाया बल फांगी ना मणिकाई बल नारिंगा तुम खेलिया फांगी ना मणिकाया बल राजा का बागवान बल की डाली होली बल राजा जी बागवान बल डाली की होली बल राजा जी बागवान बल अरवा डाली होली बल राजा जी बागवान बल आखड़ा डाली होली बल आखड़ा तुम खेलाया बल फांगी ना मणिकाई आखड़ा तुम खेलिया फांगी ना मणिकावा बल राजा जी बागवानी बल की डाली होली बल राजा जी बागवानी बल की डाली होली बल राजा जी बागवानी बल से बेडाली होली बल राजा जी बागवान बल सेब डाली होली बल सेब तुम खाया बल फांगी ना मणिकाई सेब तुम खेलाया फांगी ना मणिकाया बल राजा जी बागवान बल की डाली होली बल राजा जी बागवान बल की होली होली बल राजा जी बागवान फूल क्यों न डाली होली बल राजा जी बागवान बल क्यों न डाली होली बल क्यों न तुम खाया बल फांगी ना मणिकाई खुमनी तुम खेलाया फांगी ना मणिकाया बल राजा जी बागवान बल की डाली होली बल राजा जी बागवान बल हरी की होली बल राजा जी बागवान
बले निमुआ डाली होली, बले राजा जी भगवान बले निमुआ डाली होली, बले निमुआ तुम खेलाया बले फांगे ना मड़काई, निमुआ तुम खेलाया फांगे ना मड़काया, बले राजा जी भगवान बले किंकी डाली होली, बले राजा जी भगवान बले किली किंकी होली, बले राजा जी भगवान बले चूड़ी डाली होली, बले राजा जी भगवान बले चूड़ी डाली होली, बले चूड़ी तुम खाया बले फांगी ना मड़काई, बले चूड़ी तुम खाया बले फांगी ना मड़काया, बले राजा जी भगवान बले किंगी डाली होली, बले राजा जी भगवान बले किंगी होली होली, बले राजा जी भगवान बले किंगी डाली होली, बले राजा जी भगवान बले ककड़ी डाली होली, बले ककड़ी तुम काया बले फांगी ना मड़काई, बले ककड़ी तुम खाया बले फांगी ना मड़काया, बले राजा जी भगवान बले किंगी डाली होली, बले राजा जी भगवान बले डाली किंगी होली, बले राजा जी भगवान बले मुंगरी डाली, रे बॉर्डरी प्यारी मैया पे लाडूला ना होए उदास प्यारी जीत गरियोला, कश्मीर बॉर्डर प्यारी मैया फिर लड़ूला, ना होए उदास प्यारी जीत गरियोला, पीठे मा पीठुआ मेरो कांदी मर पाला, कमर मा गोली सामनी दुश्मन होला, कमर म गोली सामनी दुश्मन होला, घर माची दिया थाने दिया जल दिए, तू मेरा नाम को प्यारी पाठ पढ़ दिए, कश्मीर बॉर्डरी प्यारी मैया फिर लड़ूला, ना होए उदास प्यारी जीती गरियोला।